इलाहाबाद और फूलपुर का संयुक्त क्लस्टर अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न। बीते 27 अगस्त 2023 को भारत के 150 से अधिक जिलों में BS4 के तहत क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में इस दिन इलाहाबाद और फूलपुर का संयुक्त क्लस्टर अधिवेशन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में संपन्न किया गया। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बीते 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत इलाहाबाद और फूलपुर का संयुक्त क्लस्टर अधिवेशन इलाहाबाद में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। क्लस्टर अधिवेशन के पहले संविधान चेतना रैली निकाली गई, जो इलाहाबाद के मुख्य मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थान तक पहुंची। रैली का प्रारंभ सरदार पटेल संस्थान अलोपी बाग इलाहाबाद से लेकर मिंटो पार्क इलाहाबाद तक प्रदर्शित किया गया। यह रैली बामसेफ उत्तर प्रदेश पूर्व के महासचिव मूल निवासी CT पाल जी की देखरेख में संपन्न किया गया। रैली में कई मोटरसाइकिल, कार, लाउडस्पीकर से बंधी गाड़ियां और पैदल चलते लोग दिखे, जो संवैधानिक गीतों, मूल निवासी महापुरुषों और BS4 के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह संविधान चेतना रैली इलाहाबाद शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए विभिन्न चौराहे, बाजार, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर उपस्थित जन समुदाय को संवैधानिक मूल्यों को जानने के लिए प्रेरित करते हुए मिंटो पार्क सम्राट अशोक स्तंभ के पास पहुंचकर पुष्प अर्पित करके महापुरुषों को नमन किया गया। उसके बाद सभी लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, जहां क्लस्टर अधिवेशन के शुरुआत करते हैं। अधिवेशन की शुरुआत BS4 के ध्वज का ध्वजारोहण के साथ संगठन के राष्ट्र गीत को गाकर किया जाता है। ध्वज का ध्वजारोहण उद्घाटक के रूप में उपस्थित BSNL के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक मूल निवासी राम जी के द्वारा किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने एक साथ मूल निवासी राष्ट्र गीत और संविधान की प्रस्तावना व उसके कर्तव्यों का संकल्प लिया गया। जिसके बाद सत्र का प्रारंभ लोकतंत्र और संविधान का लोक महोत्सव का विषय रखकर किया गया। उद्घाटक व मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मूल निवासी श्री राम जी ने संविधानवाद के लिए BS4 अभियान की जमकर तारीफ की और इसे सार्थक बताया, तथा अपने भाषण में समाज के लिए त्याग व समर्पण की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मूल निवासी चिंतक मूल निवासी डॉक्टर उर्मिला राव और सेवानिवृत्त वन अधिकारी मूल निवासी BK भूषण ने संविधान के लोकतंत्र व लोक महोत्सव के बारे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्राह्मण तानाशाही के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन समय की मांग जैसे सभी विषयों पर चर्चा की। बताते चले कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश पूर्व के महासचिव मूल निवासी CD पाल ने की, जबकि संचालन मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल निवासी विजय मौर्य ने और इसकी प्रस्तावना बामसेफ उत्तर प्रदेश पूर्व के कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी अतुलेंद्र विद्यार्थी जी ने रखी। सभी वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए समाज में BS4 के महत्व को समझाया और कार्यक्रम के विषय पर अपनी बातें रखी। भोजन अवकाश के बाद दूसरे सत्र की शुरुआत की गई, जो प्रतिनिधियों का खुला सत्र सह समापन सत्र भी रहा। इस सत्र का संचालन मूल निवासी बामसेफ जिला इकाई इलाहाबाद के कोषाध्यक्ष मूल निवासी रावेंद्र सिंह जी ने और इसकी प्रस्तावना मूल निवासी संघ उत्तर प्रदेश पूर्व के कोषाध्यक्ष मूल निवासी RK वर्मा जी ने रखी, तथा इसकी अध्यक्षता मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल निवासी अशोक कुमार मौर्य जी ने किया। जबकि इस सत्र में वक्ता के रूप में मूल निवासी विनोद कुमार, मूल निवासी RK विद्यार्थी, मूल निवासी रोशनलाल, मूल निवासी नंदलाल बौद्ध, मूल निवासी अजीत चौधरी, मूल निवासी विजय मौर्य और मूल निवासी गिरीश सिंह ने अपने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने संविधान व लोकतंत्र के लाभार्थियों का क्या कर्तव्य है तथा कर्तव्य का निर्वहन न करने से क्या दुष्परिणाम होगा, इस पर चर्चा की। उन्होंने साल 2024 तक भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने और सभी के घरों में संविधान को पहुँचाने का लक्ष्य स्थापित किया। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।